हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप से मनी ट्रांसफ़र करते हैं। क्विक मनी ट्रांसफ़र हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लॉगिन कर लेना है अपनी ऐप में। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये कुछ लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्विक लिंक्स। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट्स, और जो थर्ड ऑप्शन है फ़ंड ट्रांसफ़र, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसी के द्वारा हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहले एक अकाउंट ऐड कर रखा है, इससे नहीं करेंगे, हम स्क्रैच से सीख रहे हैं। तो ऐड पे ही इस पर हमें क्लिक कर देना है और आपको बैंक डिटेल्स डालनी है जिस भी अकाउंट पे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप यहाँ से देखिए, या तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, या फिर अकाउंट नंबर से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऊपर सबसे पहले हमें अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सिस बैंक का अकाउंट है या किसी अदर बैंक का है। एक्सिस बैंक में आप पैसे भेज रहे हैं तो एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन हम PNB में भेज रहे हैं तो मैं अदर बैंक पे ही इस पर क्लिक कर देता हूँ। और जो नीचे ऑप्शन थे वो गायब हो चुके हैं। वो एक्सिस बैंक का ही अगर अकाउंट होता तो वो दोनों ऑप्शंस रहते थे, ठीक है। अभी पे नेम आपको डाल देना है, फिर निकनेम। नेम में डाल देता हूँ, मेरा ही दूसरा अकाउंट है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ रवि, और यहाँ पे निकनेम डाल देता हूँ माई पी एन बी। आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने हैं आपको। एक बार मैं डाल देता हूँ अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर डालने के बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, इस पे फिर से आपको अकाउंट नंबर दोबारा डालने हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड अगर आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। मान लो गुड़गांव का सेक्टर 14 की ब्रांच है तो गुड़गांव सेक्टर 14 PNB IFSC कोड, इस तरह से गूगल सर्च आप कर सकते हैं। तो मुझे याद है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे IFSC कोड। IFSC कोड डालने के बाद आपको नीचे जो है वो दिखाई दे जाएगा आपका ब्रांच का एड्रेस, जो अभी यहाँ पे दिखा रहा है, शहर कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये दिखा रहा है मेरा। और अभी ऐड पे इस पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। एक बार आपको दिखा रहा है, ये पे डिटेल्स दिखा रहा है, माई PNB और ये सारी डिटेल्स, अकाउंट नंबर और IFSC, ये आपको चेक कर लेना है एक बार। ये पे नेम में आपको फुल नेम डालना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जो भी नाम आपका बैंक में है, जिसके पास पैसे भेज रहे हैं, उसका फुल नेम जो बैंक अकाउंट में है वही, ठीक है। अभी कंफर्म पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, एक वो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो OTP का वेट कर लेते हैं हम। OTP हमारे पास आ चुका है और मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर नहीं आए तो आप रीसेंड OTP इस पे क्लिक करके दोबारा OTP भेज सकते हैं, ठीक है। अभी कंफर्म OTP इस पे हमें क्लिक कर देना है और पे ही एडिट सक्सेसफुली हमने पे ही जो है वो ऐड कर लिया है। अब हम इनके पास पैसे भेज सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। RBI एक्सिस बैंक है डिसेबल्ड IFSC ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट, ये कुछ बैंक है, जो देना बैंक वगैरह, इनके IFSC जो है, इन बैंकों के जो यहाँ पे दे रखे हैं, इनके IFSC डिसेबल कर दिए हैं RBI ने, और नए IFSC इनके जनरेट कर दिए हैं। तो वो आपको अच्छे से चेक कर लेना है अगर पुराने किसी अकाउंट में डाल रहे हैं तो, ठीक है। अभी पहले से कोई एडिट अकाउंट है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको रुपीज़ डालने हैं, कितने रुपीज़। तो मेरा ही अकाउंट है तो मैं 500 रुपये एक बार इसमें पे कर देता हूँ ऐसे ही चेक करने के लिए। रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, फैमिली कर दिया है मैंने, इन्वेस्टमेंट, अदर्स, या कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रेंट वगैरह ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी पे ही मोड क्या है, इंस्टेंट पे आप करना चाहते हैं, इंस्टेंट करेंगे तो तुरंत आपके खाते में ये पैसे चले जाएंगे। NEFT करना चाहते हैं तो कुछ घंटों में, 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ये चले जाएगा। मैक्स जनरली 3 से 4 घंटे लगते हैं, पैसे चले जाते हैं, लेकिन 24 से 48 घंटे मैक्सिमम जा सकते हैं। पे लेटर क्या है, आप किसी डेट को पे करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर डेट को वो पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंस्टेंट पे ही हम कर रहे हैं, क्विक मनी ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, तो वो हम कर लेते हैं इंस्टेंट पे को सिलेक्ट। अभी प्रोसीड इस पे हमें क्लिक कर देना है। ये फिर से आपको डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, कहाँ पे पैसे आप भेज रहे हैं, वो सारी डिटेल्स। इंस्टेंट पे करेंगे तो देखिए 2.5 रुपये आपके IMPS के चार्जेस लगेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जल्दी नहीं है पैसे भेजने की, अर्जेंट नहीं है, तो आप NEFT करें, जो बीच वाला ऑप्शन था,
और अगर आपको जल्दी पैसे भेजने हैं तो इस तरह से आपको ढाई रुपये यानी 500 पे ढाई रुपये हैं, इससे ज़्यादा आप भेजेंगे तो उस पर और भी ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे, ठीक है। तो अभी ये आपको ध्यान रखना है, ये देख लेना है जब भी आप पैसे भेजें। तो अभी कन्फर्म इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको एम पिन डालने हैं अपने, जो लॉगिन एम पिन है होते हैं आपके ऐप के, वो यहाँ पर आपको डालने हैं। मैं डाल देता हूँ एक बार, और ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, ये डन कर देता हूँ मैं और मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और ये देखिए अभी पैसे हमारे पास आ भी चुके हैं, पीएनबी का हमारे पास एसएमएस आ चुका है, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है। और ये देखिए पीएनबी, ये देखिए योर एसी 0189 हैज़ क्रेडिट ऑफ 500 लिंक्ड टू मोबाइल नंबर दिस IMPS रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो 500 रुपये जो है वो हमारे यहाँ पे आ भी चुके हैं इतनी जल्दी, ठीक है, इतना फास्ट है ये। तो दोस्तों ये थी वीडियो, किस तरह से हम क्विक मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक्सिस बैंक ऐप से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी आंसर दूंगा मैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।